लोकसभा चुनाव से पहले आज असम को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। गुवाहाटी में 11,599 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मां कामाख्या दिव्य परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री। दर्शन में भक्तों को होगी सुविधा। नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए पीएम की पहल। हवाई अड्डे से 6 लेन की सड़क का निर्माण, स्टेडियम का डेवलपमेंट और नए स्पोर्ट्स कैंपस की भी आधारशिला रखेंगे। मेडिकल कॉलेज की इमारत और यूनिटी मॉल की भी नींव रखेंगे। पीएम मोदी के गुवाहाटी पहुंचने पर जोरदार स्वागत, सड़कों के दोनों तरफ खड़े होकर लोगों ने किया अभिवादन। गुवाहाटी के वेटनरी कॉलेज के कैंपस में पीएम मोदी के स्वागत में 1,00,000 दिए जलाए गए। लोगों ने दियों से वेलकम मोदी जी लिखा। ओडिशा को प्रधानमंत्री मोदी ने दी विकास की सौगात, 68,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। खनन नीति में बदलाव से ओडिशा की आय में इजाफा हुआ, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि, पीएम मोदी का बयान। दिल्ली की मंत्री आतिशी को आज नोटिस सौंपेगी क्राइम ब्रांच की टीम, कल दिल्ली में नहीं थी आतिशी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी का शिकंजा कसा, 5 समन के बावजूद पेश नहीं होने पर जांच एजेंसी कोर्ट पहुंची। केजरीवाल के मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 7 फरवरी को होगी सुनवाई। जांच एजेंसी ने पब्लिक सर्वेंट होने के बावजूद समन का अनुपालन नहीं करने का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के पहुंचने पर सीएम हाउस के बाहर हंगामा, केजरीवाल की खरीद फरोख्त के आरोप मामले में नोटिस देने गई थी टीम। क्राइम ब्रांच के लेटर के बाद दिल्ली पुलिस पर भड़के केजरीवाल, कहा क्राइम रोकने की बजाय नौटंकी में लगे हुए हैं, इस वजह से ही बढ़ रहा अपराध। पीके केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट पहुंचने पर बोली बीजेपी, जांच से भाग रहे केजरीवाल, उन्हें जवाब देना ही होगा। आम आदमी पार्टी ने पूरे शराब घोटाले को बताया राजनीति से प्रेरित, कहा कोर्ट में देंगे जवाब। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा पहुंचे दिल्ली, राज्य के कैबिनेट विस्तार और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सीनियर नेताओं के साथ करेंगे बैठक। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान, बोले अभी एक प्रकार से विभाग बढ़ चुके हैं, मुख्यमंत्री को तय करना है। सम्राट चौधरी ने कहा गठबंधन के क्या स्वरूप होंगे वो राष्ट्रीय स्तर पर तय होगा। बिहार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नीतीश ने गृह विभाग अपने पास रखा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को वित्त समेत 9 विभाग, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को भी कृषि, पथ निर्माण समेत 9 विभाग। मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पहुंचे मुंगेर कार्यकर्ताओं के साथ की मुलाकात। प्रधानमंत्री से मुलाकात पर ललन सिंह ने कहा ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी, हम सदन के सदस्य हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात। बिहार की राजनीति पर ललन सिंह का बयान, बोले बिहार की राजनीति अब बहुत अच्छी दिशा में जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड के धनबाद में होगी, जनसभा को राहुल करेंगे संबोधित। न्याय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी पर बरसे खड़गे, कहा पीएम का नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका सत्यानाश कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कार्यकर्ताओं में जोश रहे, राहुल संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं वरना मोदी के गुलाम हो जाएंगे। बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को बताया शर्मनाक, अमित मालवीय बोले ऐसी पार्टी की दुर्गति तय। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के नेताओं संघ की मीटिंग, प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक माहौल पर चर्चा। देवघर में राहुल के सामने मोदी मोदी के नारे लगे, पूजा करने पहुंचे थे, मंदिर के बाहर निकलते वक्त लोगों ने किया विरोध। राहुल के सामने मोदी मोदी के नारे लगने पर बोले निशिकांत दुबे, ये आपका अपमान नहीं, प्रधानमंत्री जी के विकास का स्वागत है। राहुल गांधी ने फिर छेड़ा ओबीसी राग, बोले बीजेपी सरकार अपने दिन गिने, हम कराएंगे जातीय जनगणना। राहुल की न्याय नहीं अन्याय यात्रा, इनके नेता अलग देश की मांग कर रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का निशाना। नीतीश कुमार के निकलने के बाद इंडिया गठबंधन नहीं बचा, जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं, ममता कांग्रेस सब आपस में लड़ रहे हैं, बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार का बयान। ममता बनर्जी के 40 सीट वाले बयान पर अधीर रंजन का पलटवार, पूछा क्यों बीजेपी और दीदी एक भाषा बोल रहे हैं। अधीर रंजन ने कहा ममता बनर्जी के लिए राज्य पहले पर राहुल के लिए देश, पूछा आज ममता को इंडी गठबंधन क्यों खराब लग रहा है। ममता बनर्जी के बयान पर बोले जयराम रमेश, इंडी गठबंधन राष्ट्र स्तर के लिए, विधानसभा स्तर के चुनाव के लिए नहीं। ममता के बयानों पर पलटवार करने से बचते दिखे जयराम रमेश, कहा हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। AIUDF नेता रफीकुल इस्लाम की नसीहत, छोटे दलों का सम्मान करे कांग्रेस, अलायंस में दिखाए बड़ा दिल। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन, 17-18 फरवरी को लोकसभा चुनावों पर होगी चर्चा। कन्नौज से सीएम योगी का अखिलेश पर अटैक, समाज को बांट रही सपा, जनता चुनावों में देगी जवाब। हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 5 फरवरी को सुनवाई, गिरफ्तारी को दी है चुनौती। हेमंत सोरेन से रांची ईडी ऑफिस में हुई पूछताछ, जमीन घोटाले को लेकर हुए सवाल जवाब। हेमंत सोरेन के करीबी भानु प्रताप को ईडी ने गिरफ्तार किया, रिमांड पर 5 फरवरी को होगी सुनवाई। हेमंत सोरेन मामले पर बोले कपिल सिब्बल, सुप्रीम कोर्ट हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम कहां जाएंगे, विपक्ष को खत्म करना चाहती सरकार। 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे हेमंत सोरेन, रांची की PMLA कोर्ट ने दी इजाजत। हमारे सभी विधायक एकजुट, निचले स्तर की राजनीति कर रही बीजेपी, JMM नेता सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान।
आगामी कैबिनेट में यूसीसी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम बोले इस विधानसभा सत्र में यूसीसी लाएंगे। लालकृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न सम्मान। पीएम मोदी बोले देश के विकास में आडवाणी जी का अहम योगदान। विनम्रता से स्वीकार करता हूं भारत रत्न सम्मान, ये सिर्फ मेरा नहीं मेरे सिद्धांतों का भी सम्मान। लालकृष्ण आडवाणी का बयान। आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा राष्ट्र के सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है। पीएम मोदी का बयान। आडवाणी को भारत रत्न मिलने से परिवार खुश। बेटी प्रतिभा ने कहा जीवन के इस पड़ाव में सर्वोच्च सम्मान मिलना बड़ी बात। शरद पवार ने आडवाणी को भारत रत्न देने के निर्णय को बताया सही। कहा आडवाणी के विचार से सहमत नहीं लेकिन उन्होंने राजनीति में बहुत काम किया। लालकृष्ण आडवाणी से मिले बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी। कहा मुझे खुशी कि भारत रत्न के साथ काम करने का मौका मिला। सीएम योगी नितिन गडकरी ने लालकृष्ण आडवाणी को दी बधाई। राजनाथ सिंह बोले वो राजनीति में दृढ़ संकल्प और समर्पण के प्रति। आडवाणी को भारत रत्न के फैसले का स्वागत करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। अपने वोटों को बांधने के लिए आडवाणी को भारत रत्न दे रहे हैं अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर निशाना। आडवाणी को भारत रत्न के ऐलान पर असदुद्दीन ओवैसी का तीखा हमला। कहा हिंसा में मरने वालों की खबरें हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज दिल्ली के द्वारका में नॉर्थ ईस्टर्न कल्चरल एंड सोशल इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखेंगे। जेएनयू में भी बराक हॉस्टल का करेंगे उद्घाटन। गृहमंत्री अमित शाह से मिले सीएम बीरेन्द्र सिंह। कहा केंद्र सरकार मणिपुर के हित में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेगी। ये देश की मांग और सरकार इसे पूरा करेगी। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का बयान। आईआईटी बॉम्बे में एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2024 की शुरुआत। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ और चेयरमैन रजत शर्मा कीनोट स्पीकर के तौर पर हुए शामिल। रजत शर्मा ने इंडिया टीवी के सुपरहिट शो आपकी अदालत का किस्सा भी सुनाया। समिट में शामिल एंटरप्रेन्योर्स को दिए सफलता के मंत्र। कहा कोशिश और मेहनत से जीत जरूर मिलती है। बाबा बागेश्वर की किताब सनातन धर्म क्या है का विमोचन। कहा कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाना गलत। अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो मतलब आपको खुद पर भी भरोसा नहीं। ज्ञानवापी मामले पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दो टूक। कहा मथुरा और काशी दे दो भाईचारा कायम रहेगा। ज्ञानवापी फैसले पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जारी किया लेटर। प्रशासन सीआरपीएफ पर उठाए सवाल। 20 लाख वर्कर्स की पेंडिंग सैलरी 21 फरवरी तक होगी ट्रांसफर। सीएम ममता बनर्जी का ऐलान। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इस्तीफा दिया। राष्ट्रपति को रिजाइन भेजा, निजी कारणों से छोड़ा पद। सिस्टम से परेशान होकर विदेश जाते थे पंजाबी। राज्य में हमारी सरकार ने खत्म किया भ्रष्टाचार। सीएम भगवंत मान का बयान। ग्वालियर में हवाई अड्डे का काम पूरा। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। कर्नाटक में राम भरोसे कांग्रेस 100 राम मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने का किया फैसला। सीनियर ब्यूरोक्रेट संजय जाजू को सूचना और प्रसारण सचिव बनाया गया। अपूर्वा चंद्रा की लेंगे जगह। तलवार से जुड़े मामले में एनआईए ने की कार्रवाई। बिहार में दो माओवादी कैडरों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। कुख्यात बदमाश विनय वर्मा ढेर एक पुलिसकर्मी जख्मी। 25,000 के इनामी विनय वर्मा ने कुछ दिन पहले एक चौकी इंचार्ज पर की थी फायरिंग। उस मामले में था वांटेड विनय वर्मा पर लूट हत्या की कोशिश चोरी और गैंगस्टर में भी 6 मुकदमे दर्ज। उसका एक और साथी गिरफ्तार। एक की तलाश जारी। नोएडा में गाड़ियों की चोरी करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। दो बदमाश जख्मी पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के डाबड़ी इलाके में एक घर से 3 शव बरामद। दम घुटने से मौत की आशंका। यूपी के बदायूं में सिविल जज ने अपने आवास पर किया सुसाइड। मौके से सुसाइड नोट बरामद। जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ के राजा बाजार इलाके में एक घर में लगी आग। हादसे में एक शख्स घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। ग्राउंड फ्लोर से पहली मंजिल पहुंची थी आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद लोगों को बाहर निकाला गया। शॉर्ट सर्किट आग लगने के कारण। बंगाल के मालदा में सीमेंट के गोदाम में लगी भीषण आग। पूरे इलाके में मची दहशत। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। बड़े पैमाने पर नुकसान किया। दिल्ली में देर रात बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हुई हल्की बारिश। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल के आसपास के इलाकों में बर्फबारी। चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर। शिमला में बर्फबारी से तापमान में गिरावट। बर्फ से ढका नजर आया इलाका। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में मनाया गया गोची उत्सव। बर्फबारी के बीच थिरकते नजर आए लोग। झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों ने हैदराबाद में स्थानीय नेता का जन्मदिन मनाया। निजी रिसोर्ट में था कार्यक्रम। अगरतला देवघर ट्रेन रवाना। मुख्यमंत्री माणिक साह ने दिखाई हरी झंडी। अगरतला में महिला शक्ति वंदन कार्यक्रम। सीएम माणिक साह प्रोग्राम में शामिल हुए। अमेरिका के ओक्लाहोमा सिटी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 5.1 रही तीव्रता। करीब 3 किलोमीटर रही भूकंप की गहराई। विशाखापट्टनम टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 28 रन बनाए। 171 रन की हुई लीड। भारत की पहली पारी में 396 रन के जवाब में इंग्लैंड की टीम 253 रनों पर सिमटी। भारत ने 143 रनों की बढ़त ली। भारत के स्पीड स्टार जसप्रीत बुमराह के आगे अंग्रेजों ने घुटने टेके। बुमराह ने 45 रन देकर 6 खिलाड़ियों को भेजा पकड़।
इंग्लैंड की तरफ से जैक क्राउली ने सबसे ज्यादा 76 रनों की पारी खेली। कप्तान बेन स्टोक्स 47 रन बनाए। पहले टेस्ट के हीरो ओली पोप 23 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह का शिकार बने। बेयरस्टो ने 25 रनों की पारी खेली। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह के अलावा कुलदीप यादव ने 3 विकेट चटके। अक्षर पटेल को 1 विकेट। भारत ने दूसरे दिन अपने स्कोर 6 विकेट पर 336 रन से आगे खेलना शुरू किया। भारत की पूरी टीम 396 रन बनाकर ऑल आउट हुई। दूसरे दिन भारत के आकर्षण का केंद्र रहा यशस्वी जायसवाल की डबल सेंचुरी। यशस्वी ने टेस्ट में अपना पहला दोहरा शतक जमाया। यशस्वी जायसवाल दोहरा शतक लगाने वाले भारत के तीसरे युवा बल्लेबाज बने। डबल सेंचुरी लगाने वाले भारत के चौथे लेफ्टी खिलाड़ी। बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए अपने 150 विकेट। भारत की तरफ से सबसे कम गेंदों में 150 विकेट लेने का बनाया रिकॉर्ड। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में बुमराह सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बने। बुमराह ने 24 विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी से रिकॉर्ड बनाया। 21वीं सदी में किसी भी भारतीय गेंदबाज का भारत की जमीन पर बेस्ट बॉलिंग फिगर। जसप्रीत बुमराह के गेंदबाजी के फैन हुए सौरव गांगुली। कहा, इतनी अच्छी तेज गेंदबाजी होने के बावजूद हमें टर्निंग पिच तैयार करने की क्या जरूरत। सौरव गांगुली ने की भारत में अच्छे विकेट बनाने की मांग। कहा, टर्निंग ट्रैक भारत की बल्लेबाजी क्वालिटी को गिरा रही है। इंग्लैंड के खिलाड़ी जैक क्राउली का पहली पारी में प्रदर्शन के बाद बयान। कहा, हम अपनी आक्रामक क्रिकेट की वजह से किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे आज। 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे। दूसरा मैच जीत सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी टीम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर। जोश हेजलवुड को टीम में किया गया शामिल। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिसबाह उल हक का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेकर बयान। कहा, पीसीबी की हालत डामाडोल। मिसबाह उल हक ने पीसीबी पर साधा निशाना। कहा, पीसीबी के खराब रवैये की वजह से स्थानीय कोच भी साथ काम करने नहीं चाहते। कोलंबो टेस्ट की पहली पारी में श्रीलंका का बड़ा स्कोर। पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 410 रन बनाए। अफगानिस्तान ने 188 रन बनाए थे। श्रीलंका की तरफ से एंजेलो मैथ्यूज ने 141 रनों की पारी खेली। दिनेश चांदीमल ने 107 रन बनाए।